सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सूरत टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड के बारे में और इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे एंड प्राइस प्रेडिक्शंस टारगेट्स देखने वाले हैं। तो बने रहे लास्ट तक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। सूरत टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड के अगर फंडामेंटल एनालिसिस की बात की जाए तो 1 ईयर के टाइम फ्रेम में ऑलमोस्ट यहाँ पर 400% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, जबकि 52 वीक्स लो 1 ईयर के टाइम फ्रेम में इसका लो जो है ₹3.11 और 52 वीक्स हाई की बात की जाए तो ₹34.15 देखने को मिल रहा है, ₹34.15। और अभी करंट रेट जो है ₹16 देखने को मिल रहा है, ₹16। और यहाँ पर देखो कंपनी में रेड फ्लैग्स देखने को मिल रहा है स्टॉक इन ASM लिस्ट। सो सूरत टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड ASM की लिस्ट में देखने को मिल रहा है। सूरत टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड एक स्मॉल कैप कंपनी जिसका मार्केट कैप 352 करोड़ देखने को मिल रहा है, जबकि रैंकिंग की बात की जाए तो 1447 देखने को मिल रहा है। और कंपनी जो है टेक्सटाइल्स की कैटेगरीज में देखने को मिलती है। एंड कंपनी की अगर फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो टोटल रेवेन्यूज जो है 2018 में 203 करोड़, 2019 की बात की जाए तो 220 करोड़ रेवेन्यूज, और 2020 की बात की जाए तो 185 करोड़ का रेवेन्यूज देखने को मिला था 2020 में, और 2021 की बात की जाए तो 136 करोड़ इसका रेवेन्यूज देखने को मिल रहा है 2021 में 136 करोड़। और जबकि नेट इनकम की बात की जाए तो देखो 2018 में 8.18 करोड़, 2019 की बात की जाए तो 12.15 करोड़ देखने को मिल रहा है, जबकि 2020 की बात की जाए तो 7.82 करोड़ और 2021 में 14.47 करोड़ इसका प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। एंड रेवेन्यू जो है 3 सालों से लगातार यहां पर ड्रॉप देखने को मिल रहा है, इसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। एंड जबकि नेट इनकम की बात की जाए तो 2018 से लेकर 2021 में हमें इंक्लाइन देखने को मिला है, जैसे 2018 में 8 करोड़ देखने को मिला था इसका प्रॉफिट, और 2021 में 14.47 करोड़ देखने को मिला था। सो दिस इज गुड कि यहाँ पर नेट इनकम में हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट में हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है, सो दिस इज गुड। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात की जाए तो देखो प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है 75% देखने को मिल रहा है। तो सूरत टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड के प्रोमोटर्स के पास 75% यहाँ पर स्टेक देखने को मिल रहा है कंपनी का। और यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग यहाँ पर 0 देखने को मिल रही है, किसी भी तरह का इंटरेस्ट इस कंपनी में इंस्टीट्यूशंस का देखने को नहीं मिल रहा है। और रिटेल एंड अदर्स की बात की जाए तो 25% इसमें देखने को मिल रहा है। और इस कंपनी की अच्छी बात यह है कि इसमें प्रोमोटर की होल्डिंग 75% है, जो कि बहुत ही अच्छी शेयर होल्डिंग मानी जाती है किसी भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के लिए, सो दिस इज गुड। सूरत टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड के अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात की जाए तो देखो यहाँ पर 2017 ऑलमोस्ट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था। सूरत टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड के अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात की जाए तो यहाँ पर 2017 का लेवल देखने को मिल रहा था ऑलमोस्ट ₹8.40 का, जो कि एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पर वर्कआउट किया। और इसी सेम रेजिस्टेंस से देखो हमें प्राइस जो ड्रॉप देखने को मिला था, और इस लेवल के अबाव हमें प्राइस जो है ब्रेकआउट देखने को मिला। 2021 की बात है, 2021 जुलाई में हमें ब्रेकआउट देखने को मिला और प्राइस अच्छा खासा ऊपर भी गया, और इसी सेम लेवल पर रिटेस्ट किया एज अ सपोर्ट वर्कआउट किया और प्राइस हमें स्पाइक देखने को मिला, इसमें उछाल देखने को मिला था। और अभी करंटली स्विंग रेजिस्टेंस जो था उसी को एज अ सपोर्ट बनाकर अभी यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स देखने को मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट हमें यहाँ पर ब्रेकआउट तो देखने को मिला है, 2017 का जो लेवल था उसको ब्रेकआउट किया इसने, और यहाँ से प्राइस स्पाइक भी देखने को मिला है। और अभी करंटली बात की जाए तो इसी सेम लेवल पर एज अ सपोर्ट बना के रखा है, जैसा कि इसका जो रिसेंट स्विंग हाई था रेजिस्टेंस था उसी को ब्रेकआउट किया और एज अ सपोर्ट यहाँ पर वर्कआउट कर रहा है। और अभी करंट रेट जो है ₹16 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड अगर यहाँ पर RSI इंडिकेटर की बात की जाए तो देखो यहाँ पर जो है प्राइस तो हमारा हायर लो की फॉर्मेशंस बनाया है, और RSI इंडिकेटर की बात की जाए तो यहाँ पर देखो लो लोअर हाई और लोअर लो मींस यहाँ पर लो और लोअर लो की फॉर्मेशंस बना रहा है इंडिकेटर RSI, और प्राइस जो है हायर लो की फॉर्मेशंस बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो विच इज डाइवर्जेंस बुलिश डाइवर्जेंस, तो यहाँ पर बुलिश डाइवर्जेंस का इफेक्ट देखने को मिल सकता है।
जैसे प्राइस एक्शंस में रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद एज अ सपोर्ट हुआ और सेम लेवल पर यहाँ पर वर्कआउट कर रहा है और RSI में बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से जो है इसका बुलिश इंडिकेशंस देखने को मिल रहा है एंड जैसे कि इसका नेट इनकम जो है प्रॉफिटेबल देखने को मिल रहा है एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में ऑलमोस्ट 75% प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो दिस इज ऑल गुड और यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस देखने को मिल रहा है और इसके टेक्निकल एनालिसिस में हमें डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है और प्राइस जो ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है एंड कंपनी जो है जबरदस्त देखने को मिल रही है, स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है एज अ फंडामेंटल और एज अ चार्ट एनालिसिस। तो करंट रेट जो है 16 रुपए का है और इजिली यहाँ पर देखो ये जो लेवल देखने को मिल रहा है स्विंग हाई, तो ये 34 रुपीज का देखने को मिला था। अगर प्राइस यहाँ से निकलता है 34 रुपीज तक भी जाता है तो ऑलमोस्ट 120% हमें रिटर्न्स देखने को मिल सकता है इस कंपनी में और अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है तो और भी ज्यादा यहाँ पर हाई प्राइस देखने को मिल सकता है। 34 रुपीज का जो टारगेट्स है ये तो आपको कमिंग वीक्स में देखने को मिल सकता है और अगर आप इसको 3 इयर्स 5 इयर्स के लिए होल्ड करते हो तो आपको इजिली 100 रुपीज और उससे भी ज्यादा 200 रुपीज भी देखने को मिल सकता है इस कंपनी में एंड ये कंपनी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। तो आप इसमें आंख मूंद कर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और यहाँ पर कंसीडर किया जा सकता है इस लेवल पर बाइंग के लिए। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।